गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम MySQL के कुछ एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सम, एवरेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ रोज रेदर देन ऑन सिंगल रोज। मतलब एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, या तो ग्रुप ऑफ रोज पर काम करते हैं या सिंगल रोज। ग्रुप ऑफ रोज मतलब सपोज दैट हमें जितनी भी रोज हैं सबका सम करना है, ठीक है, एवरेज निकालना है या उनको काउंट करना है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रोज पे हमारे काम करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारा सम फंक्शन। कह रहा है दिस फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। मतलब सम फंक्शन क्या करेगा, जैसे कि नॉर्मली हम सम फंक्शन को जानते हैं कि सम फंक्शन क्या होता है, नंबर नंबर को एडिशन के लिए, वही काम यहाँ पर सम फंक्शन करेगा कि दिस फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। सिंटैक्स होता है सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे मार्क्स को हमें सभी मार्क्स के सभी स्टूडेंट के मार्क्स को सम करना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि सिलेक्ट सम, ठीक है, और मार्क्स ब्रैकेट में लिख देंगे मार्क्स, मतलब सभी मार्क, मार्क्स कॉलम का नाम है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये 647 ये सभी का सम यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिलेक्ट सम, ठीक है, सम मार्क्स आए तो यहाँ पर कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सम मार्क्स कॉलम का नाम था, अब हम यहाँ पर कॉलम का दूसरा नाम लिखना चाहते हैं, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमने लिखा है यहाँ पर, तो आप इट में एज इट इज़ लिख दोगे फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसका भी सम यहाँ पर आ जाएगा। ये सेल एम्प्लॉयज़ की एक टेबल बनाई हुई है, हमारी डेटाबेस है एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पर देखो यूज़ एम्प्लॉय डेटाबेस को यूज़ किया गया है, ये वाला डेटाबेस चेंज। अब सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, मतलब सभी चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है, तो पूरी टोटल हमारी यहाँ पर ये टेबल शो हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सैलरी का जो ये सैलरी वाला कॉलम है इसका हमें सम करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट सम और फिर ये सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर ये सैलरी का सम आ गया आपका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये देखो आप देख रहे हो यहाँ सम सैलरी लिखा हुआ है ऊपर वाले, इसमें अगर हम इसको चेंज करना है हमें ये लिखना है टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सिलेक्ट लिखा है फिर सम, ठीक है, फिर ये सैलरी उसकी जगह पर हमें लिखना है टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से, तो ये सबका सम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम अगला है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन में क्या होता है कि हमें एक एवरेज वैल्यू निकालनी है कि दिस फंक्शन कंप्यूट द एवरेज ऑफ गिवन डेटा, तो सिलेक्ट एवरेज ABG लिखेंगे, कॉलम नेम लिखेंगे और टेबल का नेम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि सिलेक्ट एवरेज मार्क्स, मार्क्स वाले का एवरेज निकालना है, जिस कॉलम को निकालना है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और जो चीज़ निकालनी है वो ब्रैकेट से पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सम अभी लिख रहे थे, अब एवरेज लिखोगे तो यहाँ पर ये एवरेज शो हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। मोस्टली जैसे हमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है वो देखना है या सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं वो देखने हैं, तो यहाँ पर मार्क्स को देखा गया है, सिलेक्ट मैक्स मार्क फ्रॉम स्टूडेंट। मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, वही सिंटैक्स है सम, केवल
फंक्शन का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। यही है, काउंट करना है। तो कह रहा है दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम और इंक्लूडिंग नल एंड डुप्लीकेट वैल्यू, नल वैल्यू भी और डुप्लीकेट वैल्यू भी। तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक जितने भी हैं सबको काउंट कर ले, कितनी रोज हैं फ्रॉम टेबल नेम। तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, काउंट एस्ट्रिक फंक्शन विल काउंट द नल वैल्यू ऑल्सो, अगर एम्प्टी वैल्यू भी होगी उसको भी काउंट रो काउंट करके आपको ये बता देगा। आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ आए।